ईश्वर का वचन हमें बताता है कि तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, सब चीजें तुम्हें यों ही मिल जाएगी। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार यीशु के इस चेतावनी से अंत होता है कि जो पीछे मुड़कर देखता है वह ईश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। प्राचीन यूनानियों ने ऑर्फियस की कहानी बताया करते थे कि ऑर्फियस ने अपनी मृत पत्नी को वापस लाने के लिए मृतकों के निवास स्थान पर गए, क्योंकि उसे लगा कि उसकी पत्नी समय से पहले मर गई। उसे इस शर्त पर अपनी पत्नी को जीवतों की दुनिया में वापस ले जाने की अनुमति दी गई कि जब तक वह पृथ्वी के ऊपरी हवा तक नहीं पहुंचे, तब तक वह उसकी पत्नी की ओर ना देखे। लेकिन उसने उस स्थान पहुंचने से पहले ही पीछे मुड़कर देखा और उसकी पत्नी तुरंत उसकी दृष्टि से ओझल हो गई। इसी तरह पुराने नियम में प्रभु लोट को चेतावनी देता है कि वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सोदोम शहर से भाग जाए और शहर के विनाश को ना देखे। परंतु लोट की पत्नी ने मुड़कर देखी और वह नमक का खंभा बन गई। इन दोनों कहानियों में दोनों ने पीछे मुड़कर देखने के कारण वह खो दिया जिसे वे सबसे अधिक चाहते थे। सुसमाचार हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि जो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं वे ईश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। दूसरे शब्दों में यीशु का अनुसरण करने में कोई पीछे नहीं मुड़ सकता या यीशु का अनुयायी अपने पुराने जीवन में वापस नहीं जा सकता। उसे पापमय जीवन छोड़कर धार्मिकता का जीवन अपनाना होगा। यीशु के चेतावनी के शब्द बहुत ही गंभीर और अनिवार्य है। यीशु ने स्वयं यरूशलेम जाने के लिए अपना मन बनाया, हालांकि वह जानता था कि उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा और उसे मार दिया जाएगा। लोगों ने उसे यरूशलेम जाने में रोका, परंतु उसने यरूशलेम की ओर अपनी यात्रा जारी रखी। यीशु के लिए यह कितना मोहक था कि वह पीछे मुड़कर उस मृत्यु से भाग जाए जो यरूशलेम में उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। सारे हृदय से ईश्वर के राज्य की खोज करने की आज्ञा यीशु हवा में नहीं बताते हैं, लेकिन उसने स्वयं अपने जीवन में जिया है और अपने जीवन के माध्यम से दिखाया है। इसलिए यीशु चाहता है कि हम भी अपनी दृष्टि ईश्वर के राज्य पर केंद्रित रखें, जिसके लिए बहुत सारे बलिदान और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। यीशु के बुलाए जाने पर एक व्यक्ति बहाना बनाता है कि वह सबसे पहले अपने पिता को दफनाने जाए और फिर यीशु का अनुसरण करेगा। इस पर यीशु उनसे कहते हैं, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो। यीशु का यह शब्द बहुत कठोर सा लगता है, लेकिन शायद यीशु ने मनुष्य के हृदय को जान लिया होगा कि वह बहाना बना रहा हो और उसके पिता की मृत्यु नहीं हुई थी। हो सकता है कि वह यह बहाना बनाया हो कि वह अपने पिता के मृत्यु तक उनके साथ रहे। यीशु जानता था कि वह फिर से उसके पीछे ना चलने का और एक बहाना बनाएगा। यीशु के कठोर शब्दों का मतलब यह नहीं है कि हमारे माता पिता, भाई बहन और धन हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु यीशु इस प्रकार के वचनों का प्रयोग ईश्वर के राज्य के महत्व को दिखाने के लिए करते हैं। ईश्वर का वचन हमें बताता है कि तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, सब चीजें तुम्हें यों ही मिल जाएगी। जब हम ईश्वर को अपनी पहली प्राथमिकता देते हैं तो हम अपने माता पिता, भाइयों, बहनों, परिवार की देखभाल करने की अन्य प्राथमिकताओं को भी पूरा करते हैं। यीशु के साथ हमारा रिश्ता सबसे पहला और उत्तम स्थान रखता है, जिसके लिए प्रतिबद्धता और बलिदान की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, जब हम पवित्र मिस्सा बलिदान के लिए आते हैं तो हमें बड़ी भक्ति के साथ भाग लेना होता है। हमें अपने मोबाइल को बंद या साइलेंट में रखना पड़ता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए एक घंटे के लिए भी मोबाइल से दूर रहना बहुत मुश्किल सा होता है। अतः हम मिस्सा के दौरान भी कुछ लोगों को मोबाइल चेक करते हुए देख सकते हैं। परिवार में हमें टीवी कार्यक्रमों
और कंप्यूटर और आधुनिक गैजेट्स जैसी अन्य चीज़ों को छोड़कर पारिवारिक प्रार्थना को प्राथमिकता देने की आवश्यकता होती है। जब हम प्रभु और उसके जीवन के तरीके का अनुसरण करते हैं तो इसके लिए बहुत सारे बलिदानों और प्रतिबद्धताओं की आवश्यकता होती है, चाहे हम पुरोहिताई या धर्मसंघी या विवाहित जीवन क्यों ना जिए। हम सब अपने बुलाहट के अनुसार पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं। पुरोहित और धर्मसंघी को सत्ता, पद और संपत्ति के लालच से दूर रहकर निस्वार्थ भाव से ईश्वर और उनके लोगों की सेवा करने के लिए बुलाए गए हैं। विवाहित और पारिवारिक जीवन में विवाहित स्त्री पुरुष को मृत्यु तक एक दूसरे के प्रति वफादार रहने के लिए बुलाए जाते हैं। उन्हें अच्छे समय और बुरे समय में एक दूसरे का साथ देना होता है। उन्हें ईश्वर द्वारा दिए गए बच्चों के उपहार को स्वीकार करना और ख्रिस्ती विश्वास में उन्हें शिक्षा देना और उनका पालन पोषण करना होता है। साथ ही साथ पारिवारिक जीवन में उन्हें माता पिता और बच्चों की देखभाल करना और उनकी जरूरतों को पूरा करना होता है। लेकिन आधुनिक दुनिया में हमें यह भी देखने को मिलता है कि आज कुछ नर नारी बिना शादी किए हुए एक साथ रहते हैं और ब्याह नहीं रचना चाहते हैं, क्योंकि वे एक दूसरे के प्रति किसी प्रकार का प्रतिबद्धता नहीं रखना चाहते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो शादी करते हैं लेकिन वे बच्चा पैदा नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि बच्चे पैदा करना उनके लिए एक बोझ सा है। इसके विपरीत हमें प्रभु के मार्ग और उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए बहुत सारे बलिदान और प्रतिबद्धताओं का पालन करने की आवश्यकता होती है। यह आसान नहीं है, हमें इसके लिए ईश्वर की कृपा की आवश्यकता है। तो आइए हम प्रार्थना करें कि हमें ऐसी अनुग्रह मिले कि हम हमेशा पहले ईश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज में लगे रहें और सब कुछ ईश्वर की इच्छा के अनुसार कर सकें। आमीन।